नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूरा मामला कानपुर का है, जहां पर लगातार नए नए मामले रोजाना सामने आते रहते हैं। इसी तरह एक नया मामला सामने आया है, जिसमें इंडियन प्राइम न्यूज के संपादक द्वारा सीएमओ से बात करने पर खुत्ते के इंजेक्शन को लेकर सवाल किया गया कि इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो जवाब आ रहा है कि मांग करी गई है फिर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्या इसी प्रकार से लगातार योगी सरकार में ये जानवरों के मेडिकल व्यवस्था अधूरी रहेगी या ऐसे ही जानवरों को नई नई बीमारी उत्पन्न होती रहेगी? बड़ी बात तो ये है कि अगर इसी प्रकार से सही वक्त पे सही इलाज नहीं हुआ तो जानवरों से अनेकों प्रकार की जानलेवा बीमारी उत्पन्न हो सकती है। आइए सुनते हैं पूरी बात को। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया, मैं विजय यादव बात कर रहा हूँ आईपीएन न्यूज से। जी बताइए। ये जानकारी ये मिली है कि अपने कानपुर में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कुत्ते के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। ऐसा है क्या? शार्ट चल रहे हैं जी, शार्ट चल रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट के यहाँ डिमांड गई है, सप्लाई नहीं दी। तो आपने वैसे गवर्नमेंट से कब मांगा था भैया? काफी कई बार मंगाया। अच्छा, मतलब आप मतलब मांगने के बावजूद अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है शासन? हाँ, के द्वारा अभी नहीं उपलब्ध हो रहा है। अच्छा अच्छा, सभी स्टार्ट। चलिए चलिए, ठीक ठीक।